की गई है जो रेस्पोंडेंट है उनकी तरफ से, तो ये है कि जो अक्यूज्ड है उनकी तरफ से ये पिटीशन इसीलिए फाइल की गई है कि जो केस है वो ट्रांसफ़र हो मैजिस्ट्रेट के पास, और ये है कि ये मैटर जो है ऑलरेडी डिसाइडेड है बाय सुप्रीम कोर्ट, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस मैटर पे, इस पॉइंट पे अपना फैसला दे चुकी है, और आप प्रीवियस ऑर्डर्स देखिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे चुकी है, फिर भी इनकी तरफ से ये जो पिटीशन फाइल की गई है, तो मैं तो यही कहूँगी कि ये अदालतों का टाइम वेस्ट किया जा रहा है उन अक्यूज पार्टी की तरफ से, क्योंकि एक मैटर ऑलरेडी अगर डिसाइडेड है और वो भी अपेक्स कोर्ट से, तो आप लोग कैसे अगेन एंड अगेन उसी पॉइंट पर आते हैं पिटीशन फाइल करने। तो हम तो पुरुमीद हैं अदालतों से कि अदालतें जो हैं वो इंसाफ करेंगी, और हम बेशक इंसाफ के लिए ही आते हैं, और हम यकीन रखते हैं पाकिस्तान कानून पे, कॉन्स्टिट्यूशन पे, और हम जो है नेक्स्ट जो डेट है वो 10 तारीख मिली है 10 मई की, उम्मीद रखते हैं कि 10 मई पे फैसला भी आएगा और कोर्ट जो है वो बेशक इंसाफ करेंगी।